वेलकम स्टूडेंट टू डिजिटल लेक्चर ऑफ सुभाष इंग्लिश स्कूल क्लास सेकंड। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मी बाई एक साहसी महिला थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हुई थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इन्हें बचपन से ही घुड़सवारी तलवारबाजी का शौक था। बच्चों को तो और गेम खेलने का शौक होता है लेकिन इन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी करने का शौक था। आज हम रानी लक्ष्मी बाई के बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्मी बाई मोरोपंत की पुत्री थी। लक्ष्मी बाई किनकी पुत्री थी? मोरोपंत की। उनके बचपन का नाम मनु था। मनु बाई इनके बचपन का नाम था। किसके? रानी लक्ष्मी बाई के। मनु बहुत साहसी थी। वह कैसी महिला थी? वह साहसी थी। वह बचपन से ही साहस भरे कार्य करती थी तो वह एक साहसी लड़की थी। मनु को घुड़सवारी का बहुत शौक था। मनु को किस चीज का शौक था? घोड़े पे सवारी करने का बहुत शौक था। मनु ने नाना साहब और राव साहेब के साथ घुड़सवारी करना और तलवार चलाना सीखा। उन्होंने किसके साथ सीखा? नाना साहब और राव साहेब के साथ घुड़सवारी और तलवार चलाना सीखा। आप चित्र में देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई किस तरह से तलवारबाजी कर रही है। वह घुड़सवारी भी कर रही है और साथ में तलवारबाजी भी कर रही है। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। उनका विवाह किसके साथ हुआ था? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। कुछ दिन बाद गंगाधर राव का निधन हो गया। निधन का मतलब है मृत्यु। तो कुछ दिन बाद ही शादी के कुछ दिन बाद ही गंगाधर राव का निधन हो गया था। अंग्रेज सरकार ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि जो झांसी थी उसको अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने उस पर अधिकार जमा लिया। लक्ष्मीबाई ने दूत से कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो उसके बाद लक्ष्मीबाई ने ही झांसी पे पूरा ध्यान दिया और यह भी कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जो अंग्रेज सरकार उन पे हस्तक्षेप कर रही थी, अधिकार जमा रही थी, तो उनसे वह ले लेगी, वह उनको अधिकार नहीं जमाने देंगी। तो उसने कहा मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक सेना बनाई और फिर उन्होंने क्या किया कि महिलाओं की एक सेना बनाई जिसमें उन्होंने लड़ाई के लिए सभी महिलाओं को तैयार किया। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया और जब अंग्रेज अधिकार जमाने के लिए झांसी पर हमला कर रहे थे तो देखिए आप यहाँ पे चित्र में कि अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने झांसी पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। पुत्र को पीठ पर बांधकर रानी वीरतापूर्वक लड़ी और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। पुत्र को उसका जो छोटा पुत्र था उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की और उसको पीठ पर बांधकर रानी वीरतापूर्वक लड़ी और उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान भी दे दी। जब वो उसकी झांसी को अपने अधिकार में करने के लिए लड़ाई लड़ रही थी तो वह लड़ते लड़ते शहीद हो गई, वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। आप यहाँ पे चित्र में देखिए कि वह लड़ाई कर रही है, वह अंग्रेज सरकार से अपनी झांसी को लेने के लिए लड़ाई कर रही है। पार्ट 15 रानी लक्ष्मी बाई। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। स्टूडेंट आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इन्हें लर्न भी कीजिए। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। पहला, मनु ने किसके साथ घुड़सवारी सीखी थी? मनु ने किसके साथ घुड़सवारी करना सीखा था? अ राव साहेब और नाना साहेब, ब गंगाधर राव, स मोरोपंत। उसने किसके साथ सीखा था? राव साहेब और नाना साहेब के साथ। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह कहाँ की रानी थी? अ कानपुर, ब ग्वालियर, स झांसी। वह झांसी की रानी थी। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला, ब्लैंक।
ने झांसी पर हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया था, भारतीय या अंग्रेजों? यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको जो सही है वो यहाँ पे फिल करना है। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया था। दूसरा है, मनु ने ब्लैंक करना सीखा, क्या करना सीखा था, घुड़सवारी या हाथी सवारी करना सीखा था? उसने सीखा था घुड़सवारी करना, तो मनु ने घुड़सवारी करना सीखा। तीसरा, रानी लड़ते लड़ते ब्लैंक हो गई, शहीद या घायल? वह क्या हो गई थी, लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। जो लड़ाई में मर जाता है वह शहीद हो जाता है। फोर्थ, लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक बनाई, क्या बनाई थी उनने, सेना या शहर? उनने सेना बनाई थी। प्रश्न नंबर 5, मैं अपनी ब्लैंक नहीं दूंगी, क्या नहीं दूंगी, झांसी या गांव? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए, इधर लिखे हुए हैं कुछ शब्द, उनसे सही शब्द देखकर मैच करना है आपको। इधर लिखा है रानी, नाना, राजा, लड़ी और नाम, तो इन्हीं के जैसा शब्द क्या होता है, इनसे जैसे अपन एक समानतुक वाले शब्द होते हैं जैसे नाम, तो इससे हम क्या मिलाएंगे, काम। रानी पानी, नाना खाना, राजा ताजा, लड़ी खड़ी, नाम काम। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? उत्तर है, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। क्या नाम था उनका, मनु। प्रश्न नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई ने दूध से क्या कहा था? रानी लक्ष्मीबाई ने दूध से क्या कहा था? उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई ने दूध से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। प्रश्न नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत था। प्रश्न नंबर 4, मनु का विवाह किसके साथ हुआ था? मनु का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तर है, मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। वह झांसी के राजा थे गंगाधर राव, उनके साथ मनु का विवाह हुआ था। स्टूडेंट, ये जो हमने अभ्यास प्रश्न देखे हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और याद भी कीजिए। ओके, गुड बाय।